कॉलेज लाइफ में स्टार सबको बनना है, लेकिन किसी को पता नहीं होता स्टार कैसे बने। और इन दिस वीडियो आई एम गोना टेल यू टॉप 5 टिप्स विच कॉलेज फ्रेशर शुड फॉलो इन ऑर्डर टू एक्सेल इन देयर कॉलेज लाइफ टू गेट मोर मार्क्स बाय स्टडिंग लेस एंड स्टे अहेड इन दिस कटथ्रोट कॉम्पिटिशन। और जिंदगी के कैसे मजे कैसे लूटे सब इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो पूरा देखिए, काफी सही आपके लिए होने वाला है। आप देख रहे हैं दिस इज PSD1, ये है सफलता सीरीज, तो लेट्स बी सफल गाइस। सो द फर्स्ट टिप इज रियली सिंपल गाइस, दैट इज यू शुड फोकस इन योर क्लासरूम। जो भी आपके अभी ये टिप से आपको समझ में आएगा कि आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स कैसे गेन कर सकते हैं कम से कम पढ़ाई करके। सो क्या करना है कि आपके क्लासरूम में जो भी सिखाया जा रहा है उसमें ध्यान देने की कोशिश करिए। आई अंडरस्टैंड कि आपको बिल्कुल भी वो टीचर पसंद नहीं है, आपको बिल्कुल भी वो समझ में नहीं आ रहा है, बट ट्राई योर बेस्ट टू गिव रिटेंशन इन दैट पर्टिकुलर क्लास। उससे क्या होगा कि देखो, फर्स्ट ईयर में आपके पास बहुत ज़्यादा समय होता है एज़ कम्पेयर टू आगे के सेकेंड थर्ड फोर्थ ईयर। तो फर्स्ट ईयर में अगर आप अपना मैक्सिमम टाइम अगर पढ़ाई करने में लगा देते हो तो कोई मज़ा नहीं है ना जिंदगी में। तो इसलिए अगर आप क्लास में अगर ध्यान देते हो तो आपको मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट समझ में आ चुके होते हैं, और बस फिर एग्जाम के कुछ दिन पहले आपको खुद को थोड़ा पुश करना होता है और फिर यू आर गुड टू गो, और आपको काफ़ी अच्छा पॉइंटर उस तरीके से आ सकता है। लेकिन अगर आप क्लास में ध्यान नहीं देते तो क्या होता है पता है क्या, क्लास में ध्यान नहीं दिया, क्लास में तो पढ़ाई होती नहीं, क्लास में कोई और भी काम नहीं होता। तो कंसिडर करिए, समझिए कि डेली के आपके 6 घंटे 6 से 7 घंटे ऐसे ही वेस्ट जा रहे हैं भाई, और फिर बाद में आपको घर पे भी पढ़ाई करना पड़ेगा अगर आपको अच्छा पॉइंटर लाना है। इसलिए क्लास में ध्यान दीजिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, बहुत ज़्यादा समय मिलेगा, और वो समय में आप अपना पैशन ढूंढ सकते हैं, आप कोई नई चीज़ें ट्राई कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं गाइस। सो क्लास में ध्यान दीजिए, ठीक है। दिस वॉज द फर्स्ट स्टेप। ऑन टू द नेक्स्ट टिप, और इसको ध्यान से सुनिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट टिप इज यू शुड डेली डिवोट योर 1 आवर टू स्टडी और लर्न टू कोड। डजेंट मैटर वॉट योर ब्रांच इज, आपकी ब्रांच मैटर नहीं करती, आपको क्या है, आपको इंटरेस्ट है नहीं है वो मैटर नहीं करता, लेकिन कोडिंग आपको सीखनी चाहिए, एटलीस्ट बेसिक तो भी सीखनी चाहिए। अभी एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एनालॉजी आपके सामने आने वाली है, और उसके बाद एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल भी आपके सामने आने वाला है, तो उसको ध्यान से सुनिए। और वो एनालॉजी ऐसे कि देखो, 1960s में इंग्लिश वॉज कंसिडर्ड एज द हॉटेस्ट स्किल, हॉटेस्ट भाई भाई बच्चे देख रहे हैं, सॉरी टॉप स्किल गाइज, इंग्लिश वॉज अ टॉप स्किल, पूरे दोस्तों के साथ परिवार के साथ आप देख सकते हैं वीडियोज हमारे, टेंशन नहीं है। तो इंग्लिश वॉज अ टॉप स्किल टू लर्न, वहाँ पे अगर 1960s में अगर आपको इंग्लिश आ जाती है तो आपको कुछ भी, आपको लोग भगवान समझते थे, आपको कैसे भी जॉब मिल जाता था, ऐसा होता था। हेलो, कैन यू हेल्प मी गेटिंग द एड्रेस ऑफ SGS? व्हाट हैपेंड ब्रो? प्रभु, मेरा जीवन धन्य कर दिया भाई। ये भगवान, व्हाट इज दिस ब्रो? इन अब कोडिंग इज दैट हॉटेस्ट स्किल, आर हॉटेस्ट क्यों बोला वापस, टॉप स्किल, ठीक है। परिवार के साथ देखो गाइस, जैसे इंग्लिश आपको वो टाइम पे लोगों के साथ कम्युनिकेट करने में काम आती थी, अभी द बिगेस्ट नीड इज टू कम्युनिकेट विद मशीन्स, इसलिए उसके लिए एक ही जरिया है, वो है कोडिंग। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अभी AI भी रोल में आ चुका है, AI के कारण ट्रस्ट मी गाइज, AI इज गोना गिव अ मैसिव हिट्स ऑन नंबर ऑफ जॉब इन अपकमिंग 10 ईयर्स। सो तैयार रहिए, आपको थोड़ा सा रेडी रहना पड़ेगा सब चीज़ों के साथ। और एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट इंसाइट जो आपको जानना ज़रूरी है, दैट आई एम शेयरिंग विथ यू, इज़ कि जब हम लास्ट ईयर में आए थे तब इतना ज़्यादा कोई चीज़ों का हाइप नहीं था, कोई ज़्यादा इतना फोकस नहीं करता था कोडिंग सीखने में या फिर ये सीखने में वो सीखने में, लेकिन हर साल ट्रेंड चेंज होते जा रहा है। अभी ये साल मुझे मैसेजेस आते हैं और बच्चे पूछते हैं, फर्स्ट ईयर के बच्चे पूछते हैं, मुझे इथिकल हैकिंग सीखना है, मुझे क्या बोलते हैं डेटा साइंस सीखना है, और ये वो मैं ये सीख रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। तो द स्पेस इज गेटिंग कॉम्पिटिटिव डे बाई डे, तो आपको भी उसी तरह से रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम बाद में सीख लेंगे, नेक्स्ट ईयर में शुरू करेंगे, थोड़ा सा 1 घंटा तो देना है, आप उतना टाइम निकाल सकते हैं। ऑलरेडी जो भी जितने भी मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स जो है हमारे, दे आर लाइक फ्रॉम Tier 2 एंड Tier 3 कॉलेजेस, तो मुझे आपको रिक्वेस्ट करना है कि अगर हमें Tier 1 कॉलेज के से बच्चों से अगर ऊपर जाना है तो हमें उनसे ऊपर की मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए I am stressing a lot on this topic, okay? So I hope कि आपको ये समझ में आ गया होगा। So next really important tip is, चलो बताता नहीं हूँ, दिखाता हूँ, चलो। भाई मेनू लाओ यार। ये सब चाहिए मेरे को, सब टेस्ट करने के। चीजें टेस्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट है गाइस। भाई इसमें बहुत खर्चा किया है, अभी हमने 200 रुपए का खा गया है।
टेस्ट द टिप इज द टेस्ट ऑल द क्लब्स एंड चूज वन और टू ऑफ देम. देखो आपके कॉलेज में बहुत सारे क्लब्स होंगे, रोबोटिक्स क्लब, गाड़ियों का क्लब, कोडिंग का क्लब, PSD1 का क्लब, फोटोग्राफी का क्लब, ये क्लब वो क्लब, PRC ये वो, बहुत सारे क्लब्स होंगे. लेकिन आप कन्फ्यूज होंगे कौन सा ज्वाइन करूँ क्या नहीं, आपको आपका पैशन भी नहीं पता क्या है. मोस्ट ऑफ द मेजोरिटी बच्चों को पता ही नहीं होता उनको क्या करना है, एंड दैट्स रियली फाइन. इस पर हमारे एलेबोरेट सेशंस भी आने वाले, टेंशन मतलब. सो उसका हम क्या करें, अभी लेट्स से आपके कॉलेज में 30 क्लब्स है, 30 क्लब्स में से आपके बेस्ट क्लब्स निकालिए जो आपको ज़्यादा पसंद है, जो विच वाइब विच यू वाइब विद. तो मे बी 5-6 क्लब्स होंगे, 5-6 क्लब्स ज्वाइन करिए, वहाँ पे जाके देखिए, 4-5 दिन सभी क्लब में जाके देखिए, जो क्लब अच्छा लगता है वहाँ पे रहिए, 1-2 ही क्लब्स लीजिए और जो नहीं लगते अच्छे उनको छोड़ दीजिए. लेकिन ज़्यादा क्लब्स नहीं लेना है, लेकिन क्लब भी ज्वाइन करना है. बहुत ज़्यादा आपको यू नो आपके इम्प्रूवमेंट को स्कोप मिलेगा और आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें मिलेंगी, सीनियर्स के साथ इंटरेक्शन करने को मिलेगा और सीनियर्स का इंटरेक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट अगर वो सीनियर अच्छे रहे तो. ठीक है, सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गाइज इज अगेन रियली इंपॉर्टेंट, इसको भी मैं आपको समझा के बताता हूँ क्या हुआ था. कि उस दिन मैं 1-2 दिन पहले कॉलेज में था, वहाँ पे नहीं क्या मेरा दोस्त कुछ बच्चों का इंटरव्यूज ले रहा था उसके क्लब के लिए. सो मैं वहाँ पे जाके बैठा, तो वहाँ पे एक बच्चे ने क्या बोला कि ही इज़ लाइक आई एम सो इंट्रोवर्ट, मुझे लोगों के सामने बात करना अच्छा नहीं लगता, या फिर बात करने में डर लगता है, लेकिन जब मैं ऐसे पर्सनल स्पेस में होता हूँ मैं एकदम मोगैम्बो बन जाता हूँ, मैं एकदम शेर बन जाता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ. तो उसने ऐसा बोला, तो फिर मैंने सोचा कि चलो इसको थोड़ा ज्ञान देते, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है दोस्तों. चलिए ऐसा कुछ नहीं है, ज्ञान बांटने से सब्सक्राइब करने को बोलता हूँ मैं उनको, क्योंकि कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा गाइस. सब्सक्राइब करो यार. तो आई विल टेल यू व्हाट ज्ञान आई गेव हिम. तो ही वॉज रियली इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ गाय, उसको कॉन्फिडेंस नहीं था स्टेज पे जाके बोलने का, उसको कुछ भी कॉन्फिडेंस नहीं था. तो मैंने क्या बोला, देखो तू अभी आपके सिटी से आया है, वहाँ पे तेरे को सब पहचानते थे, ठीक है, लेकिन अभी तू यहाँ से यहाँ पर आया है, यहाँ पे तेरे को कोई नहीं पहचानता, अभी तू नया नया है, तो तू तेरी पर्सनैलिटी को जैसा चाहिए वैसा मास्क पहना सकता है, इसको बोलते हैं मास्क इफेक्ट, जैसा चाहिए वैसा शेप दिला सकता है. अभी वो वाले एनवायरमेंट में तू मास्क बदल नहीं सकता था, वहाँ पे अगर तू मास्क बदलेगा, वो वाला मतलब जहाँ से तू आया है वहाँ से अगर आप मास्क बदलेंगे, वहाँ पे अगर आप मास्क बदलोगे तो लोग चिढ़ने लग जाएंगे, ये क्या, ये तो एकदम इंट्रोवर्ट था, तू तो इंट्रोवर्ट था साले, तू कैसे बोल रहा है. लेकिन यहाँ पे नोबडी नोज अबाउट यू, यू कैन यू नो मेक योर पर्सनैलिटी एज एन एक्सट्रोवर्ट और द वन हु हैज रियली गुड कॉन्फिडेंस. ठीक है, मैंने भी ऐसे किया था, आई वॉज सुपर इंट्रोवर्ट, लगा मेरे को तो बोलती नहीं आता, स्टेज पे जाके ऐसा ऐसा करता था, लेकिन किसी को मैंने ये चीज़ दिखाई नहीं. आई ट्राइड टू शोकेस दैट आई एम रियली कॉन्फिडेंट, और उसी के कारण आई चेंज माई मास्क. तो मास्क इफेक्ट लगाइए, कॉन्फिडेंस को बूस्ट करिए, चीज़ें सीखिए, उससे ही आप ग्रो होंगे. ठीक है, तो सो छोड़ दीजिए आपको क्या था ये था, कंफर्ट जोन के बाहर निकलिए, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, स्टेज पे जाने की अपॉर्चुनिटी, आई वॉन्ट टू गो, पोपट होता है तो होने दो, क्या फ़र्क पड़ रहा है भाई, कोई कुछ भी सोचे आपके बारे में, आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको सिर्फ आपके डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहिए. ठीक है, तो मास्क इफेक्ट यूज़ करिए. अगर आप इंट्रोवर्ट है, आपको बोलना पसंद नहीं है, आपको बोलते आता नहीं है, तो अपॉर्चुनिटीज़ आती है कॉलेज में, उठाइए और बोले मेरे को बोलने का है, आई विल गो एंड स्पीक इन ऑन स्टेज. ठीक है भाई, थक गया यार आज बहुत. सो चलो भाई अभी लास्ट स्किल पे आते हैं, वो स्किल है कि टू लर्न सॉफ्ट स्किल्स. अभी अगर आपको सॉफ्ट स्किल के बारे में पता नहीं है, तो सॉफ्ट स्किल्स आर सर्टन सेट ऑफ स्किल्स जिनमें आता है लीडरशिप स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, हाउ यू टॉक टू पीपल, पीपल स्किल्स, और बहुत सारी, जस्ट लाइक हाउ यू बिहेव विद अदर्स एंड हाउ यू प्रेजेंट यूर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस और समबडी एल्स और मे बी यू नो recruiter or someone else. So this tip is really important when it comes to your placement. अगर आपको placement अच्छी चाहिए तो ये आपको ठीक से follow करना पड़ेगा, ये placement का ब्रह्मास्त्र है. ठीक है, तो बहुत लोग क्या करते हैं, सब technical skills, सब सीखने पर ध्यान देते हैं, लेकिन problem क्या होता है कि they always ignore this soft skill. कुछ नहीं भाई, मुझे तो आता है ना, मुझे स्टेज पर जाके बोलने की बात ज़रूरत नहीं है, मुझे लोगों के साथ बोलने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन let me throw an insight to you. The study which was conducted by Harvard, you know, says that 85% of job success comes from your soft skill, how you communicate, how you present yourself, and only 15% of job or promotions comes from your technical skill. मतलब जो आप सीखते हैं कॉलेज में ये सब. ठीक है, तो सॉफ्ट स्किल का इंपॉर्टेंस इतना ज़्यादा होता है और सब लोग इसको इग्नोर करते हैं. सी, टेक्निकल स्किल विल हेल्प यू गेट द जॉब, बट सॉफ्ट स्किल विल हेल्प यू कीप इट.
ठीक है, तो सॉफ्ट स्किल पे काम करेंगे। अभी आप पूछेंगे भैया सॉफ्ट स्किल काम कैसे करें, मुझे पता नहीं। जब तक आपका भाई, आपका दोस्त, आपका बॉयफ्रेंड आपके साथ है तो डर रही क्या बात है भाइयों। मैं बता दूं आपको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। सो वील बी लॉन्चिंग अ न्यू वीडियो सीरीज मे बी ऑन डिफरेंट चैनल कॉल्ड एज APXP विच विल बी टोटली सेंट्रिक ऑन सॉफ्ट स्किल, हाउ यू कैन इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड एवरीथिंग। सो वो जल्द ही आने वाला है, वो आप रेफर कर सकते हैं या फिर, और तब तक आप गुड कम्युनिकेटर्स को यूट्यूब पे देखिए और जस्ट वॉच देम हाउ दे कम्युनिकेट, जस्ट एब्जॉर्ब देम कैसे बात कर रहे हैं और ट्राई डूइंग इट। एंड यस, मोस्ट इंपॉर्टेंटली जाइए और इन सब चीज़ों को अप्लाई करिए। जितने भी टिप्स बताइए ना, इन चारों टिप्स को अगर आप अप्लाई करोगे तो यू विल इवेंचुअली एंड अप इम्प्रूविंग योर सॉफ्ट स्किल्स। सो द बेस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज जस्ट गोइंग आउट एंड एक्चुअली डूइंग द थिंग्स। बोलना तो सब कर देते हैं लेकिन आपको सही में करना है। अभी देखो मैंने वीडियो तो बना दिया, अभी बहुत लोग देखेंगे लेकिन इसमें से सिर्फ 1% और 2% लोग जाके काम करेंगे और वो बनेंगे रियल लीडर्स इन देयर लाइफ। सो यू हैव टू डिसाइड कि आपको रियल लीडर बनना है या फिर एक छोटा सा पैकेज लेके या फिर जॉबलेस रह के जिंदगी चलाना है, ठीक है। तो बस इतना ही था। नहीं चलो, आप यहाँ तक देखे तो आई थिंक आई शुड गिव यू अ बोनस। सो द बोनस इज हैव अ रियली गुड रिलेशनशिप। क्या यार, रिलेशनशिप बोला तो आप वही सोचते हो। Have a really good संबंध with your teachers. It will actually help you in a long term. आपको समझ में आएगा। आप हमारी गलती आप मत सुधारिए, दोहराइए। आप हमारी गलती आप मत दोहराइए, हमने जो गलतियाँ की है आप वो मत करिए। And really sorry, हिंदी में थोड़ा गेम हो गया अभी। मराठी मानसा यार, हमें हिंदी हमें तरी थे, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं। सो दिस वॉज द बोनस टिप। टीचर्स के साथ अच्छा संबंध बना के रखिए। आपको और कोई डाउट्स होंगे तो आप इंस्टाग्राम पे आके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आइए, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, ऑलरेडी वो फायदा उठा रहे हैं। ऑलरेडी वहाँ पे हम Q&A सेशंस करते हैं, वहाँ पे शॉर्ट आंसर दे देता हूँ मैं उनको। बहुत सारी चीज़ें फ्रीलांसिंग के बारे में, ये वो बहुत लोगों को जानना होता है वो बताता हूँ, और सब चीज़ें मैं उनको वहाँ पे बताता हूँ। तो इंस्टाग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। वहाँ पे भी हफ्ते में 2-3-4 पीसेस, यूनिक पीसेस ऑफ कॉन्टेंट आपके लिए आता है। तो यही था वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपको ऐसी वीडियो देखने में अच्छा लगता है और आपको खुद की लाइफ में वैल्यू ऐड करनी है, आपको सच में कुछ तो भी अच्छा करना है। तो आई एम रेडी टू हेल्प यू, जस्ट यू नीड टू हैव दैट एनर्जी। सो सब्सक्राइब कर देना। हमारा कोई और एक ऑसम वीडियो देखने के लिए एंड स्क्रीन पे क्लिक करिए, यहाँ पे और यहाँ पे और किधर भी, इधर जो भी एंड स्क्रीन है वहाँ पे क्लिक करिए, एक और ऑसम वीडियो आप देख सकते हैं। और आपको कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ लीजिए। एंड विद दैट सेड, आई एम रियली ग्रेटफुल दैट यू आर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस। नहीं, कर एक्टिंग कर एकदम चतुरली।